हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। तो फ्रेंड्स, आप सभी जैसा कि देख रहे हो कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इस भीषण गर्मी में हम खाना बनाने और खाने से ज़्यादा ड्रिंक्स पे ध्यान देते हैं। ऐसे ड्रिंक जो इजीली फटाफट बन जाएं या मार्केट में मिल जाएं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो या फिर शेक हो या लस्सी हो, इस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोजीतो की रेसिपी। मोजीतो का वीडियो मैंने पहले भी शेयर किया है और आज मैं वर्जिन मोजीतो तैयार कर रही हूँ घर में बिना अल्कोहलिक। आप मोजीतो घर में कैसे तैयार करें, चलिए आज के इस वीडियो को फुल वॉच करिए और आप इसे फटाफट से तैयार करके और फटाफट पी सकते हैं। कोई मेहमान आया घर में तो उसे भी आप दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए मैं बता दे रही हूँ आपको। दो ट्रे मैंने आइस क्यूब्स ले लिए हैं और ये देखिए, दो नींबू को मैंने इस तरीके से कट किया है। दो नींबू का यहाँ पर मैंने रस निचोड़ के रखा है। इसके अलावा ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश पुदीना की पत्तियाँ हमने ले ली है लगभग हाफ कप, और ये हमने 2 टेबल स्पून शुगर सिरप लिया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर लिया है लिमका। ये देखिए, इजीली मार्केट में मिल जाता है और हर घर में लिमका होता है गर्मी के मौसम में। तो चलिए अब बनाते हैं इसका हम मोजीतो। तो मेरा पिछला वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा मोजीतो का, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे अपनी फ्रेश पुदीना की पत्तियाँ। पुदीना मार्केट में बहुत आराम से मिल जाता है और सस्ता भी मिल जाता है गर्मी में तो, और आप इसे एक बार ला के घर में लगा दीजिए तो आप घर में भी उगा सकते हैं पुदीना। तो ये देखिए, पुदीना की पत्तियाँ मैंने डाल दी और अब मैं इसमें डाल दूंगी नींबू। जो दो नींबू मैंने इस तरीके से स्लाइस की तरह कट किया है, और इसके अलावा 2 टेबल स्पून हमने जो शुगर सिरप लिया है। शुगर सिरप बहुत आसानी से घर में रेडी होता है, बस चीनी और पानी को आपको थोड़ा बॉईल करना है और ठंडा है, बिल्कुल गर्म नहीं लेना है आपको। अब इसे हमें थोड़ा सा मसलना होगा। तो इस तरीके से मैंने एक कांच का जार लिया है, इसी के अंदर मैं इसे तैयार कर रही हूँ। ये जग है, तो ये देखिए इस तरीके से आपको इन्हें थोड़ा, बहुत तेज़ नहीं क्योंकि ये कांच टूटे नहीं, तो इस तरीके से आपको इन्हें थोड़ा सा मसल लेना होगा। पुदीना की पत्ती और नींबू दोनों साथ में, आप चाहें तो यहाँ पे अपने हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप हाथ से भी इस तरीके से थोड़ा सा कर सकते हैं, हाथ थोड़ा साफ़ रखिए आप और अच्छे से क्लीन करके अच्छे से आप इन्हें इस तरीके से निचोड़ लीजिए। ये देखिए, मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। पुदीना को भी मैंने थोड़ा मसल लिया है। ये देखिए, आप चाहें तो बाहर पहले कुचल लीजिए पुदीना और फिर इस जार में डाल दीजिए। और जो दो ट्रे हमने आइस क्यूब लिए हैं, इन्हें भी अब जार के अंदर डालना है हमें। तो यहाँ पे आप खूब सारा आइस डाल दीजिए, और ये देखिए नींबू का रस जो हमने लिया था उसे डाल दिया है, यानी कि लेमन जूस। और अब हम डाल देंगे इसमें अपना बिल्कुल ठंडा ठंडा ये लिमका, जितनी मात्रा में रेडी करना है। ये देखिए,